खुशबू आ रही है गांजे और भांग की, लगता है खिड़की खुली रह गई मेरे महादेव के दरबार की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको महादेव के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। तो इन चमत्कारों को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। महादेव ने इस दुनिया में कई सारे चमत्कार दिखाए हैं और सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि पूरी दुनिया को उन्होंने रच डाला। और उन्हीं चमत्कारों में से एक छोटा सा चमत्कार मैं आपको बताऊंगा जो बीते कुछ दिनों के अंदर ही हुआ है। जिस वक्त पे लॉकडाउन हुआ था उस वक्त पे पूरे के पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया था और जो गरीब परिवार थे उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उनके पास ना ही पैसा था कुछ लेने के लिए और ना ही उनकी कहीं से कोई चीज़ की मदद हो रही थी। उन्होंने महादेव से तभी भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। महादेव से प्रार्थना लगातार करते हुए उन्होंने यह कहा कि हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, महादेव कुछ तो ऐसा चमत्कार दिखाइए जिससे हमको खाने के लिए कुछ मिले और साथ ही साथ हमारी पहली जैसी परिस्थिति हो जाए। तो फिर इस छोटी सी विनती से महादेव प्रसन्न हो गए। सभी लोग जानते हैं महादेव को प्रसन्न करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और महादेव छोटी से छोटी चीज़ों में जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस छोटे से परिवार की विनती महादेव ने जल्दी से सुनी और महादेव के इस चमत्कार को सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उसी थोड़ी देर के दौरान में उस परिवार के भूखे पेट को सहारा देने के लिए न्यूज़ के अंदर यह आया कि मंदिरों के अंदर राशन और साथ ही साथ खाने की चीज़ें दी जा रही हैं। उन खाने की चीज़ों को मंदिर में जाके आप या तो ले सकते हैं या तो उधर जाके खा सकते हैं। तो यह चीज़ सुन के उनका पूरा का पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और साथ ही साथ महादेव का उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया किया और काफ़ी ज़्यादा विनती प्रार्थना के बाद उन्हें यह चमत्कार देखने के लिए मिला और पूरा परिवार काफ़ी खुशी से मंदिर के अंदर जाके खाना खा के भी आया और साथ ही साथ खाना ले के भी आया। यह चमत्कार काफ़ी ज़्यादा अद्भुत था। अगर ये चमत्कार आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप महादेव से सच्ची विनती प्रार्थना करके किसी चीज़ को मांगते हैं तो महादेव उस चीज़ को आपको ज़रूर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं तो आप उस गरीब की मदद भी कर सकते हैं। गरीबों की मदद करके उन गरीबों की दुआ आपको लगेगी और महादेव भी इन चीज़ों को देखते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आगे तक महादेव पहुँचाएंगे और साथ ही साथ उन गरीबों की दुआएं भी आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगी। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन करके ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। ऐसे और वीडियोस हमारे पूरे चैनल के अंदर भरे हुए हैं। आप ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो फिर आप अपने दोस्तों के बीच में और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।